नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया नाउ और आज की रिपोर्ट आपको जनपद संभल से बता दें। संभल में भाजपा ने 8 ब्लॉक प्रमुख की सीट में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा कर लिया है और 3 पर समाजवादी पार्टी ने और 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, जिसमें से संभल के पवनसा ब्लॉक से सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले ब्लॉक प्रमुख के प्रेम कुमारी ने 110 वोटों से जीत हासिल की है। पति हृदेश यादव ने बताया कि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत है और इस जीत का श्रेय कपिल सिंगल को जाता है। जब विकास को लेकर बात कही तो कहा कि हमारे क्षेत्र में साफ सफाई और स्कूलों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और जनता से जो वादे किए हैं उन पर हम खरे उतरेंगे और उनके वादों पर काम करेंगे। जब कपिल सिंगल से पूछा गया कि संभल जिले में भारतीय जनता पार्टी से यादवों को ही प्रत्याशी क्यों बनाया गया है, तो कपिल सिंगल ने बताया कि संभल एक यादव बहुमूल्य क्षेत्र है, इसीलिए हम यादवों को सम्मान करते हैं और यादवों पर ही पार्टी ने विश्वास किया है और हमारे सभी यादवों ने जीत हासिल की है। कपिल सिंगल ने कहा कि आगे आ रहे 2022 के चुनाव में भाजपा के सामने और सभी पार्टियों मुक्की खानी पड़ेगी और सबकी जमानत जब्त हो जाएंगी। जब शिक्षा को लेकर बात कही तो कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है, उस पर काम चल रहा है, जल्द से जल्द संभल में काम चालू हो जाएगा और भाई सभी क्षेत्र के लोगों को और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को धन्यवाद किया। संभल से मुबारक अली की रिपोर्ट। वहां से ब्लॉक में आपकी पत्नी चुनाव जीती है, कितने सबसे ज्यादा वोट जीती है, क्या कहेंगे इसके बारे में? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अब तक की जो मतलब ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में जो जीत है वो हमारी सबसे बड़ी जीत है, जो कि भाजपा की जीत है। हमारी पत्नी को 113 मत मिले जिसमें 3 वोट हमारे निरस्त हो गए और 110 हमारे मत प्राप्त किए, और जो कि समाजवादी के कैंडिडेट को 17 वोट मिले और हमारे उससे 93 वोटों से हम मतलब एक्स्ट्रा फालतू जीते हैं, जिसका श्रेय हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई हमारे कपिल सिंगल जी को जाता है, जो कि उन्होंने हमें पद चिन्ह बताया उन्हीं पर हम चले और ये हमारी जीत भाजपा की सबसे बड़ी जीत है। क्या विकास कार्य कराएंगे आप? अब हमारे जो गांव देहात में जो गांव हैं जो सड़क से जुड़ने से रह गए उन्हें हम जुड़ने का कार्य करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक कार्यक्रम चल रहा है स्वच्छता अभियान, उसके तहत प्रति गाँव को सैनिटाइज और स्वच्छता के लिए सफाई कर्मियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि गांव गांव में सफाई का कार्य किया जाए। पमासा ब्लॉक में सबसे ज़्यादा वोटों से जीती है सीट, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पमासा ब्लॉक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े बहुमत से 93 वोटों से जीती है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मात्र 17 मत मिले हैं और इसके लिए प्रदेश व क्षेत्र और जिला नेतृत्व और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का और अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। आपका जो 4 ब्लॉकों पर कब्जा रहा है और 4 का अनकर रहेगा, इसका कारण क्या रहेगा? देखिए, जब प्रत्याशी खड़े होते हैं जीत हार का तो प्रश्न लगा ही रहता है, लेकिन 825 में हमारी सरकार ने 735 ब्लॉक प्रमुख पूरे प्रदेश में जीते हैं, उसके लिए मैं माननीय मोदी जी और योगी जी का धन्यवाद देता हूँ, जो उनकी नीतियों पर उनके क्रियाकलापों पर जो जन जन पे उनके विकास का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, इसलिए हमारी जो ब्लॉक प्रमुख ग्राम पंचायत प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत हमारे 67 प्रत्याशी हमारे पूरे प्रदेश में जीते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं, 735 हमारे ब्लॉक प्रमुख बने हैं। मैं इसके लिए प्रदेश नेतृत्व क्षेत्र नेतृत्व तो, जिला नेतृत्व तो, सबको पुनः आभार प्रकट करता हूँ। संभल जिले में यादवों को सबसे ज़्यादा टिकट दिए क्यों दिए गए हैं? भाई, संभल एक यादव बाहुल्य क्षेत्र है तो इसलिए यहाँ यादवों का सम्मान रखते हुए यादवों को टिकट दिए गए और यादव जो टिकट पार्टी ने विश्वास किया यादवों के ऊपर, उस विश्वास पर हमारी पार्टी पर सब यादव एकदम खड़े उतरे हैं और उन्होंने पार्टी की नीति और जो नीति के लिए जो कार्य किया है उसमें वो सब विकास का काम जन जन तक पहुँचाने का काम किया है, इसलिए जनता ने विश्वास रखकर और हमारे प्रदेश में हमारे पूरे देश में जो पार्टी ने काम किया है, हमारी पार्टी का दिन प्रतिदिन जनाधार बढ़ता जा रहा है और 2022 में आने वाले चुनाव में अन्य जो पार्टियां हैं वो सब अपने मुँह की खा के जाएंगी, सबकी जमानतें जब्त होंगी।
शिक्षा के क्षेत्र सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है संभल जिला, क्या कहेंगे इसके बारे में? संभल जिला इतना पिछड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आपकी बात थोड़ी कहीं तक